जी अस्सलाम वालेकुम। शिवा भट्ट साहब मेरी मोहसिन है, मेरी बड़ी बहन है, मेरे हर वक्त में इन्होंने मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे कभी दिल मेरा परेशान हुआ है तो मैंने शिवा भट्ट साहब को फ़ोन किया। इन्होंने मुझे बड़ा हौसला देती है, बड़ी तसल्ली देती है कि बेटा घबराना नहीं है। तो माशाल्लाह तारे जुवेद साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, ये उनकी मिसेज हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन तारे जुवेद साहब भी मुझे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जी, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो तारे जुवेद साहब भी मुझे बेटी कहते थे, इस हवाले से इन्होंने भी मुझे बेटी कहा और मैं इनकी बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ, दोस्त भी हूँ। जब कभी मेरा दिल परेशान होता है तो मैं शिवा भट्ट साहब से बात करती हूँ। आज मैं पता चला, मुझे मैसेज आया, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने सबको मैसेज किए हैं, जितने भी मेरे मतलब के जानने वाले हैं या मतलब के जितने भी मीडिया में ग्रुप हैं, मैंने उन सबको मैसेज कर दिया है कि हमारे आर्टिस्ट इस तरह से हॉस्पिटल में हैं, प्लीज़ आप भी जाएं। तो बाकी हुकूमत तो कर ही रही है, अल्लाह उनका भला करे, लेकिन अब हुकूमत भी कब तक करेगी? मेडिसिन के खर्चे हैं और ज़िंदगी ज़रूरियात के खर्चे हैं, तो ये हम सब, मैं तो इस काबिल होती तो मैं तो कभी कहती भी ना। और जी बिल्कुल, आप सादे शेख जी, आप अपने साथी फरकारों से भी अपील कर रही है कि बिल्कुल के वो भी इस चीज़ का ज़रा मद्देनजर रखें। और चढ़ के मिसाल है, वो बेचारी हमारी आर्टिस्ट हैं, हमारी दोस्त हैं, हमारी क्लीग हैं, और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। वो कभी किसी से बदतमीजी की है आज तक, ना कभी उसकी लड़ाई हुई है किसी से। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सब आर्टिस्ट मिलके इनके साथ ताउन करें, जैसे मेरे साथ किया था, उस पर बुरा वक्त आया था। तो आज इनके अल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, इनको अल्लाह किसी का मोहताज न करे, अल्लाह अपने जमान में रखे। तो मेरी सब आर्टिस्टों से दरख्वास्त है, अपील है, आए और इनकी इत्माद आई। जी बिल्कुल, बड़ा बहुत बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने अपनी आर्टिस्ट बरादरी को कि इस वक्त जो जो हालात है, जो मुश्किल की घड़ी है, तो हम सबको मिलजुल कर बिल्कुल शिवा भट्ट के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।